नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्री राम की कृपा से अपने जीवन काल में बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और आप अपने घर में बहुत ही स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि अब आपके दुश्मन छाती और माथा पीट पीट कर रोएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर यानी कि दिनांक 8 और 9 अप्रैल 2023 के इन 2 दिनों की समावधि में आप लोगों को भगवान श्री राम जी की कृपा दृष्टि से कुछ ऐसे ऐसे बड़ी ऐसे में आप लोगों को अचानक से कामयाबी मिलेंगी, कुछ ऐसे ऐसे बड़ी ऐसे में आप लोगों को तरक्की हाथ लगेंगी और कुछ ऐसे ऐसे बड़ी ऐसे में आप लोगों को खुशखबरी प्राप्त होंगी। दोस्तों, जिन्हें देखकर आपके तो बिल्कुल ही होश से उड़ जाएंगे और आपके दुश्मन तो डायरेक्ट ही बेहोश हो जाएंगे और वे लोग ऐसे छाती और माथा पीट पीट कर रोने वाले हैं जी। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन 2 दिनों की समावधि में आपकी कुंडली के अष्टम भाव से लेकर के उच्चतम भाव में भगवान श्री राम की कृपा पड़ चुकी हैं और इसके साथ ही ऐसे में आपके कुंडली के ग्रहों की स्थितियां भी ऐसे में आपके ही पक्ष में चलता हुआ दिखाई दे रही हैं और ऐसे में आपके कुंडली के ग्रहों में कुछ ऐसी शुभ स्थिति बन रही हैं जिस कारण से आपकी ज़िंदगी में ऐसे में अचानक से ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे और ऐसे ऐसे बदलाव होंगे दोस्तों, जिनसे आपकी पूरी ज़िंदगी एक झटके में ही बदल जाएंगी जी। दोस्तों, तो आज की वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो को जो लोग मिस कर देंगे दोस्तों, वो लोग बाद में बहुत ही पछताएंगे जी। दोस्तों, हम आपको सारी के सारी जानकारियाँ बताएंगे कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री राम की कृपा से आप लोगों को आखिर क्या क्या बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, आप लोगों को आखिर क्या क्या बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली हैं और वो भी आपको किन किन क्षेत्रों में, और साथ ही इन 2 दिनों के भीतर आपके ज़िंदगी में किन किन क्षेत्र में और कौन से बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे और आप लोगों को इसमें क्या क्या सावधानियां भी रखने की आवश्यकताएं होंगी, तो कौन सी गलतियों को करने से आप लोगों को इसमें बचकर भी रहने की बहुत ही आवश्यकताएँ होंगी। और साथ ही बात करेंगे इन 2 दिनों के समावधि में आपके बिजनेस व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके करियर में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, इन क्षेत्रों से आप लोगों को इसमें क्या बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाले हैं और ऐसे में आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। हम आपको हर एक जानकारियाँ पूरी सच और पूरी सटीक बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी भूल से मिस ना करें। दोस्तों, हम आपको हर एक जानकारियाँ पूरी सच बताएंगे। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले भगवान श्री राम जी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को कभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय श्री राम जरूर लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होंगी। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों, यह ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं, तो इन्हें आप लोग जरा ध्यानपूर्वक से और कान लगाकर जरूर ही सुनिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दोस्तों समय कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर आज आपका बुरा समय चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, तो दोस्तों आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा जरूर होंगे, लेकिन आप लोगों को बस निस्वार्थ भाव से कर्म करना होगा। दोस्तों, आप अपने वर्तमान जीवन में जैसा कर्म करेंगे, दोस्तों आने वाला भविष्य आप लोगों के लिए वैसा ही रहेंगे। दोस्तों, अगर आप वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, आप हमेशा सच्चाई के राह पर चलेंगे और आप हमेशा मेहनत करेंगे, तो दोस्तों आने वाला जीवन आप लोगों के लिए सुखी और खुशी रहने वाले हैं और आपके लिए अच्छा भी रहने वाले हैं। अगर आप वर्तमान जीवन में बुरे कर्म करेंगे, तो दोस्तों आने वाला भविष्य भी आप लोगों के लिए ही बुरा रहने वाले हैं जी। दोस्तों, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि दोस्तों आप आने वाला समय कैसा चाहते हैं जी। दोस्तों, तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण जी का यज्ञ आप लोगों को अच्छा लगा हो और अगर समझ में आए हो, तो वीडियो को एक प्रेस लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें, आपकी हर एक मनोकामनाएँ जल्दी ही पूर्ण होंगी। तो आज दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ कि आने वाले
या दो दिनों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आने वाले या दो दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लक के समय लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन दो दिनों के समय अवधि में आपके कुंडली के उच्चतम भाव में भगवान श्री राम जी विराजमान हो चुके हैं। और इसके साथ यह समय आपके कुंडली के ग्रहों में कुछ ऐसे शुभ स्थितियाँ या समय बन रही हैं, जिस कारण से आप लोगों को या समय वो कामयाबी प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, जिस कामयाबी को आप प्राप्त करने के लिए सालों से मेहनत और परिश्रम करते हुए आ रहे थे, दोस्तों यह समय आपकी मेहनत में रंग लाने वाले हैं और आपकी मेहनत का बड़ा फल भी ऐसे में आपको प्राप्त होने वाले हैं। और साथ ही आप लोग जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए सालों से कोशिश करते हुए आ रहे थे, दोस्तों वह सफलता भी आप लोग इन दो दिनों के भीतर बहुत ही आसानी से प्राप्त भी कर लेंगे, जिन्हें देखकर आपके तो बिल्कुल ही होश से उड़ जाएंगे। और आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि दोस्तों कभी कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं। और आपकी इस सफलता को देखकर दोस्तों आपके दुश्मन तो डायरेक्ट ही बेहोश हो जाएंगे, और दोस्तों वे लोग ऐसे में छाती माता पीट पीट कर भी रोने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जो भी ख्वाहिशें थी, आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी आपके सपने थे, दोस्तों वह सारे इच्छाएं पूर्ण इन दो दिनों के भीतर भगवान श्री राम जी आपके करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से नया घर खरीदना चाहते थे, या फिर आप नया वाहन खरीदना चाहते थे, या फिर आप नया कोई भी चीज़ खरीदना चाहते थे, तो दोस्तों वह चीज़ आप लोग इन दो दिनों के भीतर बहुत आसानी से खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों, इन दो दिनों के भीतर आप लोगों को उस क्षेत्र से लाभ होने के योग बन रहे हैं, दोस्तों जिस क्षेत्र में आपने लंबे समय पूर्व ही धन निवेश किए हुए थे, और आप लोगों को उस क्षेत्र में ऐसे में इतने लाभ की प्राप्ति होने वाली है कि दोस्तों आपने शायद कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। और दोस्तों, इन दो दिनों के भीतर आपका वह कार्य पूर्ण और संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों, जिस कार्य को आप सालों से करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज तक आप उस कार्य को सफल नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों इन दो दिनों के भीतर आपका वह कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण भी होगा, और इससे आपका मन भी असम काफ़ी खुश और काफ़ी प्रसन्न भी दिखाई देंगे। और दोस्तों, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्याएँ काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, या फिर आपका जीना हराम कर दिया था, तो दोस्तों उन सारी समस्याओं से ऐसे में आप लोगों को एक चुटकियों में मुक्ति प्राप्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप यस में बस भगवान श्री राम जी का एक बार नाम ले लें, और उसके साथ ही आप यस में भगवान शंकर मोचन हनुमान जी का भी नाम ले लें, दोस्तों जिससे आपके जीवन की हर एक संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर भी हो जाएंगे। और दोस्तों, इस राशि के साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को ऐसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, जिन्हें देखकर वे लोग काफ़ी खुश और काफ़ी प्रसन्न भी दिखाई देंगे, और उनके परिवार में ऐसे में काफ़ी अच्छी खुशी का माहौल भी बन सकते हैं। और यासमें करियर में आपको नए आयाम स्थापित भी करेंगे, किसी काम में यासमें जीवन साथी की सलाह आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी साबित हो सकती है। और यासमें आप परिवार के साथ घर पर ही मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। और यासमें कार्य क्षेत्र में आपका काम और आपका मेहनत देखकर बॉस आपसे काफ़ी खुश होंगे, और यासमें आप लोगों को एक बड़े प्रमोशन भी दे सकते हैं, जिनसे आप यश में काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं। और यश में आपको संतान सुख की प्राप्ति होंगी, जिनसे आपको यश में किसी प्रकार और यश में आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होंगी। और यश में आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा मजबूत बना रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यश में आप लोगों को वहाँ से धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपने शायद उस धन के बारे में एकदम से भूल गए थे, और इसी के साथ बाजार में फंसा पैसा भी ऐसे में आपके पास वापस आ सकते हैं, जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, जो छात्र काफ़ी लंबे समय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दोस्तों उन छात्रों को इन दो दिनों के भीतर उन क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी सुनने को प्राप्त होंगी, जिन्हें सुनकर वे लोग इसमें काफ़ी खुश और काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं।